एक और डॉक्टर की हड़ताल के कारण मरीजों को घंटों ओपीडी के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रबंधन और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण भी मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी हो रही है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ओपीडी में डॉक्टरों के आने की सही जानकारी मरीजों को नहीं दी जा रही, वहीं मरीजों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में इंक्वायरी काउंटर नाम की कोई चीज नहीं है। मरीजों की भीड़ यहां अधिक देखने को मिल रही है, जिस वजह से महामारी के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। जो स्टाफ है ये कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं करता कि डॉक्टर ने कब बैठना है, आना है कि नहीं आना है। जो जहां पर्ची बनती है वहां भी कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता है। वो पर्चे बना के देते हैं जी फलाने नंबर कमरे में चले जाओ। जब उस जो कमरा जहाँ बताया जाता है उसमें जाते हैं तो कोई वहाँ डॉक्टर नहीं होता है, ना तो वहाँ कोई उनका फोर्थ क्लास होता है, ना तो कोई पीएन होता है कोई जो हमें बताए कि आज डॉक्टर ने आना है कि नहीं आना है। हम हर व्यक्ति से पूछते हैं यहाँ, जो हमें लगता है कि यह व्यक्ति हॉस्पिटल का है तो वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाता। और यहाँ देखो, यहाँ भी जो ये है वार्ड है, यहाँ यहाँ का जो फैन है ये भी यहाँ से उठा लिया गया है। यहाँ बच्चे बैठते हैं नीचे, जो बच्चे वाली औरतें हैं अभी भी बैठी हुई हैं, तो मैं जनाब से कहूँगा इनका भी आप स्नैप लीजिए। और इतने जो कोरोना फैला हुआ है, कोरोना को मद्देनजर रखते कोई भी व्यक्ति यहाँ, ना तो सिक्योरिटी गार्ड का है, आप देखिए यहाँ के यहाँ देखिए ना कोई गाइड करता है, हर व्यक्ति व्यक्ति के साथ व्यक्ति टच हुआ है, जो है सोशल डिस्टेंसिंग का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। दिक्कत सर ये जैसे इनकी हड़ताल चली हुई है तो एक तो इतना क्राउड हो रहा है, कोरोना इतना फैला हुआ है, एक तो बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ, दूरी बनाओ। दूरी कैसे बनाएंगे? अगर अपना टाइम से आएंगे तो टाइम से अपना पेशेंट जो अपनी दवाई लेके अपने घर जाएगा, अगर नहीं आएगा तो क्राउड तो इकट्ठी होगी। और सुबह से हम लोग भी सुबह से आए हुए हैं मेडिकल बनवाने के लिए, लेकिन अभी तक जो डॉक्टर बैठे नहीं हुए हैं। डॉक्टर्स की मांग को भी सरकार के द्वारा जो है जो भी उनकी मांगे हैं उन पर गौर करके उनका भी हल निकालना चाहिए, क्योंकि वो भी रात दिन जो है हम लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। तब तो इतनी देर वो खड़ा नहीं रह सकता है, क्या करेगा इंसान? देखो कितनी भीड़ है, अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं, सुबह के बैठे हुए हैं हम लोग, ना कोई रिप्लाई करता है। हमें कभी बोलते हैं यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, बंदे को पता नहीं है वार्ड, हमें बोलते हैं इतने नंबर वार्ड पे जाओ, कोई गार्ड बोलता है ऊपर है, कोई गार्ड बोलता है नीचे है। हम तो तब से परेशान हैं, सुबह से आए हुए हैं, शायद लाई से आए हुए हैं हम लोग। हमारा तो पेशेंट ऐसे परेशान हो गया है, इसको तो दर्द से पहले बुरा हाल है। मेरा नाम अंजू कुमारी है। सरकार से ऐसा है कि एक तो देखो फैन की कोई प्रॉब्लम, देखो फैन को आपको खुद ही पता लग रहा है, और जो फैसिलिटी यहाँ पे एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर कम से कम दो तो होने चाहिए, जो एक अगर एक अब्सेंट है तो दूसरा तो होना चाहिए। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से सुमित राठौर की रिपोर्ट।